अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टू बी ऑनेस्ट विद मीरब में। इस वीडियो का आज का जो टाइटल है वो है माइंड ब्रिज वर्सेस शाहीन कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि माइंड ब्रिज और शाहीन कॉम्प्लेक्स में इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक कैंडिडेट से। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल। सबसे पहले बात करती हूँ मैं माइंड ब्रिज की। माइंड ब्रिज में जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही इंटरव्यू लिया जाता है आपसे, फर्स्ट इंटरव्यू होता है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जानी हो तो फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद वो आपसे टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट के बाद वो फिर आपको कहते हैं कि आप वेट करिए, आपका सेकेंड इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। कुछ को वो ये कहते हैं, कुछ का सिर्फ फर्स्ट इंटरव्यू और कंप्यूटर टेस्ट में ही फाइनल हो जाता है। अच्छा, जो उनका क्वेश्चंस हैं उनके फर्स्ट इंटरव्यू के, वो सिंपल से ये होते हैं। सबसे पहले तो हर का जो क्वेश्चन का होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सब ने यही पूछा होता है हर कंपनी ने। तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैं आप लोगों को इसके आंसर्स के साथ साथ बताती चलूँ कि आप लोगों ने जब ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप लोगों ने इसका क्या जवाब देना है, ठीक है। तो जब वो ये कहेगी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने कहना है माई नेम इज़ एक्स वाई जी, आई लिव इन दिस सिटी एंड मैंने अपनी स्टडी यहाँ से कंप्लीट की इस सब्जेक्ट्स में, और अब मैं ये स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट्स में, और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। और मेरे पास अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो कह दें कि आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई एम अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप लोगों को रख लेंगे, ठीक है। तो उस यही आपने अपना सारा माई सेल्फ बता दिया। फिर आपसे वो पूछेगी कि माइंड ब्रिज क्यों आना चाहते हैं आप, तो आप कह देंगे बिकॉज अगर आप फ्रेशर हैं ना, फ्रेशर हैं, अगर आप आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपल उसको ये कह दें माइंड ब्रिज क्यों आना चाहते हैं। आप उसको ये बोलें कि दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर एंड ऑल्सो इनहेंस माई स्किल्स, यानी कि आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे करियर का आगाज़ करने के लिए, और मेरे स्किल्स जो हैं उनको मैं इन्हेंस कर सकूं, ठीक है। उसके बाद वो ये पूछती है कि माइंड ब्रिज का कैसे पता चला। तो देन आपने उसको ये कहना है कि सोशल मीडिया पे देखा, मेरी दोस्त कर रही थी या मेरी कज़न कर रही थी, इस तरह का आपने कुछ भी इसको आंसर दे देना है। फिर वो आपसे पूछे कि सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सैलरी रिक्वायरमेंट्स में आपने उसको जस्ट ये बता देना है 50 to 60K, ठीक है। देन वो आपसे ये पूछेगी कि या पूछेगा जो भी आपका इंटरव्यूअर है, वो आपसे ये कहेंगे कि आप किस शिफ्ट में अवेलेबल हैं। ओके, किस शिफ्ट में अवेलेबल हैं, तो आपने अगर तो आप लड़की हैं आपने यही कहना है कि आई एम फ्लेक्सिबल एनी शिफ्ट। अगर आप लड़के हैं तो भी आपने यही कहना है फ्लेक्सिबल एनी शिफ्ट। एनी शिफ्ट जब आप लोग कह देंगे तब आप लोगों को रख लेंगे, बिकॉज अगर आप लोग ये कहते हैं कि नो नो आई जस्ट मैनेज मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो आप लोगों को नहीं रखेंगे। उनको सिर्फ डेडिकेटेड बंदे चाहिए होते हैं जो उनके पास हर शिफ्ट में अवेलेबल हो, जो हर शिफ्ट में ही आ सके, हर शिफ्ट में फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। तो आपने यही कहना है कि हम फ्लेक्सिबल हैं हर शिफ्ट में आने के लिए, उनके पास मॉर्निंग की भी है, आफ्टरनून की भी है, इवनिंग की भी है, नाइट की भी है, सारी शिफ्ट्स होती हैं, टेंशन नहीं है। और लड़कियों को तो वो देते ही मॉर्निंग एंड नाइट बिल्कुल भी नहीं देते, तो घबराना नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वो आपसे ये पूछेंगी कि हमारी एक ब्रांच कोट लखपत में भी है, तो क्या आप अगर हम वहाँ भेजें तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हैं, आप वहाँ पर जा सकती हैं। तो अगर तो कोट लखपत की ब्रांच आपके घर के पास है तो आप उसको कह दें कि जी मैं एग्री हूँ, तो वो आप वो ब्रांच आपके घर से दूर पड़ती है आपको, तो आप उसको मना कर दें कि नहीं वो ब्रांच मेरे घर से बहुत दूर है तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकूँगी, मैं इधर ही आना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर वो आप लोगों को भेज देगी कंप्यूटर टेस्ट के लिए। अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए भेज दिया तो मुबारक को हाथ में लाइए, आप लोगों का 50% इंटरव्यू डन हो चुका है, पैसा ही पैसा हो गया। कंप्यूटर टेस्ट के लिए वो भेज देगी आपको बाहर, तो उसमें भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सा होता है। उसने आप लोगों को वो जस्ट वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, आपने मैट्रिक किस सन में किया, कहाँ से किया, कितने नंबर थे, कौन सा सब्जेक्ट से इंटर कहाँ से किया, सारा कुछ कोई एक्सपीरियंस था वो है, सारा कुछ पुट करना है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऐसे आ जाएगा, ऐसे 200 words का आपने वो लिखना है, और वही जो आपने सुनाया था वही आप लिख देंगे सिर्फ। और उसके बाद कुछ MCQs होते हैं जिसमें ग्रामरली होते हैं, हैज एफ वगैरह। और फिर उसके बाद आ जाता है एक स्टोरी होती है 4 to 5 lines की, और टाइम साथ चलता है 1 मिनट का,
उन्होंने देखना है कि आप 1 मिनट में कितना एक्यूरेट और कितना ज़्यादा लिख सकते हैं। तो आपने वो टाइम स्टार्ट कर देना है, टाइम स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका, और आपने फिर 1 मिनट में लिखना है। ध्यान रहे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं जैसा लिखा है, छोटा बड़ा फुल स्टॉप कॉमा जैसा है A to Z वैसा लिखना है, ओके। और फिर एंड ये ख़त्म हो जाएगा टेस्ट आपका, फिर एंड पे आपके मार्क्स शो होंगे, वो आपने मार्क्स अपने ज़रूर देखने हैं, मुझे बताइएगा कितने मार्क्स आए हैं आपके। देन फिर ये आपका इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, फिर कह देंगे कि आप चले जाए, आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा अगर आपके सिलेक्शन होने हुए तो। फिर टेस्ट दे के जब आप लोग आ जाएंगे तो आप लोगों को विद इन 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स तक कॉल आ जाती है, फिर किसी भी कैंपेन में जिसमें उन्होंने आपको सेलेक्ट किया होता है तो कॉल आ जाती है, मुबारक आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। अच्छा, और कभी कभी वो कहते हैं फर्स्ट इंटरव्यू के बाद के कंप्यूटर टेस्ट के लिए नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं आपका सेकेंड इंटरव्यू कल परसों होगा फिर आइएगा। तो सेकेंड इंटरव्यू में भी बस वो कुछ एक्सपीरियंस पूछ लेंगे, कुछ आप लोगों को बता देंगे, कोई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कह देंगे, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं होता, वो भी बहुत ईजी सा होता है। ये था माइंड बिच के क्वेश्चंस और माइंड बिच का इंटरव्यू। अच्छा, बात करते हैं शाहीन कॉम्प्लेक्स की। शाहीन कॉम्प्लेक्स के जो इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं उनकी इंटरनेशनल कैंपेन के अलग होते हैं, डोमेस्टिक कैंपेन्स के अलग होते हैं, और उनका एक इंटरव्यू नहीं होता है, उनके तकरीबन तकरीबन 3 इंटरव्यू होते हैं, 3 या मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 3 ही होते हैं इनके, 3 से कम कोई इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। अगर तो आप जा रहे हैं इंटरनेशनल कैंपेन के लिए इंटरव्यू देने, तो आप लोग जाएंगे तो वापस सवाल करेगी इंटरव्यूअर जो है, यही इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और फिर आपसे जाहिर है आपने इंटरनेशनल कैंपेन के लिए अब हम ही भरी है तो वो फिर आपसे बहुत लंबा इंटरव्यू लेती है, इंग्लिश में होगा सारा, अगर आपने वहाँ पर जरा सी भी उर्दू बोल दी तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, यही सेम चीज़ है डोमेस्टिक के कैंपेन में भी, इंटरनेशनल कैंपेन में भी, और भी कोई कैंपेन है तो। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब उर्दू में दे दिया तो आप लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, आप लोगों को वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन माइंड ब्रिज में अगर वो आप उर्दू में क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप उसका उर्दू में जवाब दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोगों की सेक्शन फिर भी हो जाएगी। लेकिन शाहीन कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को आने के लिए प्रॉपर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इंटरनेशनल की कैंपेन का इंटरव्यू में वो सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कहाँ से आए हैं, अपनी क्वालिटीज मुझे बता दें, कोई एक्सपीरियंस है मुझसे वो शेयर करें, वहाँ पे आपने कितना काम किया, क्या सीखा, कैसे काम किया, कितनी सैलरी ले रही थी, कस्टमर सर्विस अगर आपने काम किया उसके बारे में मुझे कुछ बताएं, नॉलेज दें मुझे भी, फिर शिफ्ट टाइमिंग क्या है आपकी, और देन फिर वो क्वेश्चंस करेगी कि सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सैलरी रिक्वायरमेंट्स नहीं आपको दरअसल बताती है इंटरनेशनल कैंपेन वाली, ये सिर्फ आपको बताएगी कि आपको हम इस कैंपेन में रख रहे हैं जिसमें ये सैलरी है, उसी टाइम ऑन द वे ऑन द स्पॉट आपको ये बता देगी। देन ये इंटरव्यू होते हैं, फिर अगर आपकी सिलेक्शन होनी हुई तो वो उसी टाइम कह देंगी कि वेट करें, आपका सेकेंड इंटरव्यू भी आज ही होगा या थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है, अगर आपकी सिलेक्शन फर्स्ट इंटरव्यू में हो जानी हुई तो। फिर सेकेंड इंटरव्यू में भी वो सेकेंड इंटरव्यू फिर उससे होता है जिस कैंपेन में उन्होंने आपको रखा है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर से, मीन्स उसके TL से हो गया, हाँ उसके TL से होता है फिर आपका, TL मीन्स टीम लीडर से, तो वो भी आपसे फिर यही क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन फिर आपके एक्सपीरियंस क्या थे, आप इसके बारे में क्या जानती हैं, जिस कैंपेन में आपको रखा है आप उसके बारे में क्या जानती हैं, फिर वो एक दो आपके सामने कोई सिनेरियो देगा आपको कि आप अगर आपके पास कस्टमर आके आपको ये कहता है तो आप उसको कैसे डील करेंगी, इस तरह के वो फिर क्वेश्चंस करेगा। प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, आपने ज़रा सी भी उर्दू नहीं बोलनी, अगर आपने वहाँ पे फिर कॉन्फिडेंट होकर बात कर ली तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो सेकंड इंटरव्यू पास करने के बाद वो फिर आपको आगे शॉर्ट लिस्ट करके भेजेगा थर्ड इंटरव्यू। थर्ड इंटरव्यू जो होता है ना वो दरअसल होता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के साथ जो इंटरव्यू होता है वो भी जस्ट यही चीज़ें चेक करता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, फिर आपको एक दो स्नैरियो देगा, आपने वो स्नैरियो को सही से डिफाइन करना है, बस ये 3 इंटरव्यू के बाद आपके इंटरनेशनल कैंपेन में सिलेक्शन होगी, मुबारक हो अगर आपने प्रॉपर इंग्लिश बोली और अच्छा था इंटरव्यू दिया। अब बात करते हैं डोमेस्टिक कैंपेन की। डोमेस्टिक कैंपेन में भी वो यही क्वेश्चंस करती हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको बताया होगा क्या आपने कहना है इसमें, फिर कहती है आपने मुझे 3 क्वालिटीज़ बताएं, 3 क्वालिटीज़ में आप ये बता दें कि आई एम वेरी पंचुअल, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ग्रेट टीम प्लेयर, ये सारा कुछ आप उसको बता सकते हैं। देन फिर वो आपसे पूछेगी कि आपके सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके लिए शिफ्ट कौन सी सूटेबल है, और आप का कोई एक्सपीरियंस है,
बस इस तरह के क्वेश्चन वो करेंगे, वो फर्स्ट इंटरव्यू में आपको पास कर देंगे, देन आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए मूव कर देंगे। सेकंड इंटरव्यू में क्या होता है, जो भी टीम लीड होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपसे पेपर पेंसिल पे कुछ लिखवाता है। डोमेस्टिक के कंपेन में ज़्यादातर कॉल्स ही होती हैं, तो फिर वो कॉल्स के लिए कुछ टेस्ट लेते हैं आपके। अब वो आपसे लिखवाते हैं कि एट द रेट का साइन जो होता है अल्फ़ा वगैरह का, वो आपने उसको साइन जस्ट बना के दिखाना है, ठीक है। फिर वो आपके सामने कोई ईमेल बोलेगा कि कुछ भी वो बोल देगा, एट जीमेल नाम पहले बोलेगा, वरुण एट जीमेल डॉट कॉम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीमेल में कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो लार्ज नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, सारे स्मॉल होते हैं। तो आपने सारे वरुण VARUN वरुण एट द रेट gmail.com सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट लेटर्स में लिखना है। इसके बाद आप लाहौर के होंगे ज़ाहिर है, फिर वो आपसे आपका लाहौरी एसेंट चेक करेगा। लाहौरी एसेंट चेक करने के लिए वो आपसे तीन लाइनें बुलवाएगा कि मेरे इस लाइनों के मेरे पीछे पीछे बोलें। वो इनकी लाइनें ये होती, दरअसल आपका रे और रे चेक करते हैं कि लाहौरी का अक्सर रे और ख़राब ही हुआ होता है। तो फिर वो चेक करते हैं कि भाई हम इसको रखें कि ना रखें। तो इसके लिए वो जस्ट ये आपसे पूछ कहते हैं कि आप ये लाइन बोलें हमारे पीछे पीछे कि सड़क पर रोड़े पड़े हुए थे। और इसके बाद वो पूछते हैं हम अड़ अड़ कर चल रहे थे। बस ये दो ही होती है लाइनें जो वो आपसे बुलवाते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करना वो तो वो करके आपको फाइनल इंटरव्यू क्लाइंट के साथ जो होता है उसके लिए भेज देंगे। क्लाइंट अब क्या करता है, यही चीज़ कि आपके सामने दो तीन सिनेरियो पेश करेगा, अपने कंपनी के बारे में थोड़ी सी बुराई करेगा कि मैं देखता हूँ कि अगला बंदा मेरी कंपनी के लिहाज से उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहना कि नहीं अच्छी है, वो आपने कहना कि शाहिंग प्लस बहुत अच्छा है, उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं अपने करियर का आगाज़ करना चाहता हूँ। वही जो अपने माइंड में लाइनें बोल, दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर एंड ऑल्सो इनहेंस माई स्किल्स एंड एक्सेट्रा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर देन आपसे वही एक दो सिनेरियो देगा आप लोग जिस पर आपकी हायरिंग होती है, तो आपने वो सिनेरियो को डिफाइन करना होता है। अक्सर इनका जो क्वेश्चन होता है ना वो यही होता है कि क्या आप लोग कस्टमर सर्विस के बारे में जानते हैं। तो आपने सिंपल ये कहना है कि हाँ जी हम जानते हैं, कस्टमर सर्विस का मतलब और उसका मकसद ये होता है कि हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सोल्यूशन देते हैं, किसके ज़रिए, जो भी हमारी कंपनी ने हमें रूल्स दिए हैं, कंपनी ने जो हमें पॉलिसीज दी हैं, हम उनके ज़रिए कस्टमर को प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर वो आपके सामने ये सिनेरियो पेश कर दे क्लाइंट के, मुझे ये बताया कि कस्टमर जो है वो आपके ऊपर आके चिल्ला रहा है, तो फिर आप कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सिंपल आपने इसका यही जवाब देना है कि कस्टमर अगर मेरे पे चिल्ला रहा है तो मैंने उसको सबसे पहले तो पर्सनल नहीं लेके जाना, बिकॉज़ वो मेरे पे तो चिल्ला रहा है लेकिन मेरी वजह से नहीं चिल्ला रहा, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, हम जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जाहिर है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं घबराना, मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैंने जस्ट उसको काम डाउन करने से पहले सॉरी करनी है, उसकी बात सुननी है, अच्छे तरीके से उसको समझना है। देन जाहिर है अगर उसको कोई प्रॉब्लम नज़र आई है, कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है या कर रही है जो भी है कस्टमर, तो उसका सलूशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, हमारे पास हमारी पॉलिसी में ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो मैं सिंपल वहाँ से वो सलूशन लूँगा और उसको मैं दे दूँगा, बस सिंपल। तो फिर वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, बस सिंपल बात खत्म। बस ये होता है इनका शाइनिंग बस का फाइनल इंटरव्यू भी, डोमेस्टिक कैंपेन में भी और इंटरनेशनल कैंपेन में भी। उसके अलावा और वो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते। अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों के लिए मैं इजाफा करूंगी। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों कंपनीज़ का इन्वायरमेंट कैसा है, दोनों कंपनीज़ की सैलरीज कैसी हैं, कैसे मिलती हैं, किस डेट पर मिलती हैं, क्या सिस्टम है सैलरी लेने का, और कौन कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं, हमें किस प्रोजेक्ट में जाके इंटरव्यू देना चाहिए, और हमें इंटरव्यू देने के साथ हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। इस वीडियो का ख़त्म जो था वो यही था, जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो मुझे बताएं, मैं दोबारा बताऊंगी आप लोगों को, मुझे दोबारा बताने से बिल्कुल भी नहीं
कुछ होता है उनके, अच्छी बात है आपको समझ आ जाएगी एक चीज़, अगर मेरे दोबारा बताने से भी आपको समझ आ रही है तो। चलिए फिर इसी के साथ साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।